को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके सामने और अच्छी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन लाते रहें। गाइस, हमने आपके सामने बहुत सारी थर्ड कंट्री ट्रैवल के बारे में इन्फॉर्मेशन रखी है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस इन्फॉर्मेशन से भी लोगों की हेल्प हो सके हम उनको हेल्प करते रहें। हम लोगों को एक नया अपडेट पता लगा है पिछले 2-3 दिनों में। शायद वो नया नहीं है और आपके लिए वो कॉमन होगा, बट बहुत सारे लोगों के लिए वो बहुत नया है, और वो है ECR पासपोर्ट्स। अगर आपके पासपोर्ट पे लास्ट पेज पे जहाँ पे आपके फादर का नाम लिखा है और आपका एड्रेस लिखा है उस पर अगर ऐसा लिखा है कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो इस पासपोर्ट के साथ तो आपको अप्रूवल्स लेने पड़ सकते हैं, और ये केसेस हुए हैं पिछले 2-3 दिनों में। और कुछ लोग वापस आए हैं फ्रॉम इंडियन एयरपोर्ट, उनको फ्लाई नहीं करने दिया गया एयरलाइंस की तरफ से और इमिग्रेशन की तरफ से भी प्रॉब्लम हुआ, तो ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को ECR पासपोर्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ऐसे लोग जिन्होंने 10th पास नहीं किया है या फिर पासपोर्ट बनवाते इस वक्त उन्होंने 10th का सर्टिफिकेट नहीं दिया है या फिर उससे ऊपर जो उनकी क्वालिफिकेशन उसका सर्टिफिकेट नहीं दिया है, उन लोगों के पासपोर्ट पे ECR दैट मीन्स इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा होता है। और उसका रीज़न ये है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स हुए हैं जहाँ पे यहाँ से लोगों को जिनको समझ नहीं है और उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है उनको बाहर भेजा गया है जॉब के नाम पे और उनको वहाँ पे फंसा दिया गया है, या फिर उनको वहाँ पे जिस जॉब के बारे में बोला गया था वैसी जॉब नहीं मिली है। तो ऐसे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई है जो बॉडी चेक करती है कि अगर ऐसे लोग गल्फ कंट्रीज़ या ऐसी कंट्रीज़ जो ECR के अंडर आते हैं वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो वो किसी ऐसे फ्रॉड में तो नहीं फंस रहे हैं, इसलिए ECR बॉडी बनाई गई थी। गाइस, हम लोगों को नहीं पता है कि अभी ये ECR का प्रॉब्लम इमिग्रेशन और एयरलाइंस क्यों क्रिएट कर रही है, क्योंकि बेसिकली सिर्फ उन लोगों को प्रॉब्लम होना चाहिए जो कि वर्क परमिट के लिए या जॉब के लिए कतर या गल्फ कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं। अगर कोई गल्फ कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहा है फॉर ऑन अराइवल वीज़ा या फिर कोई टूरिस्ट वीज़ा के लिए जहाँ पर उनके पास होटल वाउचर्स भी हैं, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और ये शायद अपडेट आया भी था 2 साल पहले कि ये चीज़ अप्लाई हो सकती है, पर उसके बाद लोग आराम से ट्रैवल करते रहे और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। बट अभी शायद बहुत ज़्यादा क्राउड जा रहा है आया दोहा ट्रैवल करने के लिए, USA, कनाडा, सऊदी अरेबिया, दुबई, और इसके कारण ये सारा प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट करना शुरू कर दिया है। वैसे मैं आप लोगों को क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ कि हम लोगों ने ये न्यूज़ पता लगने के बाद क्या क्या स्टेप्स लिए। सबसे पहले हम लोगों ने कॉल किया इंडिया इन कतार एम्बेसी पे। जब हमने इंडियन कतार एम्बेसी पे कॉल किया तो हम लोगों को उनकी तरफ से सीधा इन्फॉर्मेशन मिला कि आप नहीं ट्रैवल कर सकते हो। तो हमने उनको ट्वीट दोबारा किया और ट्वीट में भी यही रिप्लाई आया। उसके बाद हमने कॉल किया मुंबई एयरपोर्ट पे। जब हमने मुंबई एयरपोर्ट पे कॉल किया तो उनकी तरफ से रिप्लाई आया कि अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो या फिर ऑन अराइवल वीज़ा के लिए जा रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली आप ट्रैवल कर सकते हो और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। उन्होंने हमें एक इमिग्रेशन ऑफिसर का नंबर दिया जिनसे उन्होंने हमें बात करने को बोला। तो हमने उन इमिग्रेशन ऑफिसर को कॉल किया, उन्होंने भी हमें समझाया कि ECR पासपोर्ट सिर्फ उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो 10th पास नहीं है और जिनका एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, तो इसके कुछ लोगों को रोका गया है आपकी एयरलाइंस की तरफ से, या प्लीज़ वहाँ पर चेक कीजिए। उन्होंने चेक करने से मना कर दिया, उन्होंने बोला कि हमारे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आप प्लीज़ थोड़े टाइम बाद कॉल कीजिए। हमने एयर इंडिया को भी कॉल किया, एयर इंडिया की तरफ से भी यही था कि ECR होता क्या है उनको ये पता नहीं था। उनके भी सुपरवाइजर से बात किया, उन्होंने बोला कि आपको ज़रूरत पड़ेगी अप्रूवल्स की। तो गाइस, इस चीज़ में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो रही हैं। हालांकि इंडिया इन कतार एम्बेसी ने ये क्लियर किया है कि ECR पासपोर्ट्स को ट्रैवल नहीं करने देंगे ऑन अराइवल वीज़ा के लिए, बट इस चीज़ का लॉजिक किसी को समझ नहीं आ रहा है। आपको जैसे मैंने ECR का बताया कि ECR सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो कि जॉब के लिए ट्रैवल करते हैं या फिर जिनके एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर कोई 60 इयर्स का या अगर 55 इयर्स का या फिर अगर कोई स्टूडेंट ट्रैवल कर रहा है तो उनका एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो सकता है कि वो किसी जॉब के लिए तो ट्रैवल कर ही नहीं रहे। तो अब ये चीज़ ऑफिशियल्स को कौन समझाए पता नहीं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको पैनिक क्रिएट किया जाए या फिर हम आपको डराएं। हमारा सिर्फ ये इंटेंशन है कि अगर कोई इंसान अपने पैसे लूज़ करने वाला है तो हम उसको बचा सकें, सिर्फ और सिर्फ हेल्प करने का इंटेंशन था गाइस, कोई और इंटेंशन नहीं है हमारा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हम लोगों को सपोर्ट करो और हम भी आप लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू वेरी मच।